भक्ति ही भक्ति की सीढ़ी चढ़ेगा, और भक्ति की सीढ़ी चढ़े तो भगवत तत्व का ज्ञान हो जाएगा, भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। कृष्ण की जन्माष्टमी मनाना हो तो कृष्ण का उद्देश्य जान लो। ऐसे कृष्ण का उद्देश्य था कृष्ण की महिमा बहुत गाही, बहुत सुनी, बहुत सुनाई, लेकिन कृष्ण का उद्देश्य, कृष्ण का उद्देश्य था तुम्हारे भीतर छुपे हुए कृष्णत्व का आनंद, माधुर्य, शक्ति, और सत्य स्वरूप का दीदार। मैंने चांद दिखाने के लिए हाथ उठाया, उंगली निर्देश किया, मेरा उद्देश्य है आप चांद देखो, और आपने हाथ का ही फोटो ले लिया, उंगली को ही पकड़ के बैठ गए, तो मेरा उद्देश्य मारा जाएगा। ऐसे कृष्ण का उद्देश्य था कि आप अपनी महिमा में जगो, अपने आनंद स्वभाव को उभारो, अपने ज्ञान स्वभाव को उभारो, अपने सामर्थ्य को उभारो, आसुरी शक्तियां आपके चित्त को घसीट के ले न जाए। धरती पर दैत्यों ने राजाओं के रूप में जन्म लेकर प्रजा का शोषण किया, तब कृष्ण आए उनको ठीक करने के लिए। अभी भी हमारे चित्त में आसुरी वृत्तियां, दैत्य वृत्तियां हमारी सज्जनता और रस को शोष रही हैं। हमारे हृदय में ही अभी कृष्ण के सामर्थ्य का प्रागट्य करना होगा। लगा रहे सत ज्ञान सो, सब ही बंधन तोड़, कह कबीर वा दास सो, कह कबीर वा दास को, कहे कबीर वा दास सो, कह कबीर वा दास को, काल रहे हथ जोड़, काल रहे ज्ञान के लिए लगा रहना चाहिए। लोहे लकड़ का ज्ञान तो बहुत हो गया, हार्ड मास का ज्ञान, डॉक्टरी विद्या का भी बहुत लोगों ने पा लिया, ईंट चूना लोहे लकड़ का इंजीनियरों ने ज्ञान पा लिया, मिर्च मसाले का, धनिया फुदीना का, गेहूं चावल का ज्ञान तो दुकानदारों ने खूब पा लिया, भाषाओं का ज्ञान भाषा शास्त्रों ने पा लिया, और दुनियादारी का ज्ञान सारे दुनिया वालों ने पा लिया, लेकिन यहाँ कृष्ण का इरादा बहुत ऊंचा है, जिससे सब जाना जाता है, जिस ज्ञान से सारे ज्ञान सत्ता लेते हैं, जिस सुख से सारे सुख के साधन सुखद लगते हैं, जिस प्रकाश से सारा विश्व प्रकाशित होता है, जिस आनंद से सारा विश्व आनंदित होता है, और जिसके होने से सब है, लेकिन सबके मिटने पर भी जो अमिट है, उस अमिट आत्मा का ज्ञान पा लेना चाहिए। सुख के साधन मिट जाते हैं, लेकिन वो सुख स्वरूप आत्मा नहीं मिटता है। ज्ञान की इंद्रियां मिट जाती है, शिथिल हो जाती है, ज्ञान की ऐहिक ज्ञान की विस्मृति हो जाती है, फिर भी जिसकी विस्मृति होने पर भी जो सदा रहता है उसका ज्ञान। कबीर जी ने बहुत ऊंची बात कह दी, लगा रहे सत ज्ञान सो, सत ही सब ही बंधन तोड़, उस सत्य ज्ञान के लिए लगा रहे सब बंधन तोड़। मैं फलानी जाति का हूँ, मेरा फलाना कर्तव्य है, मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, ये सारी रस्सियाँ काट, उस एक को पा ले जिसको पाने से बस सब पा लिया, उस एक को जान जिसे जानने से सब को जान लिया, उस एक से मिल, फिर तुझे दुनियादार मिलकर अपना भाग्य न बना ले तो मेरा नाम नहीं।
उस एक से मिल और उसके मिलने के लिए तेरे दिल में तड़फ बढ़ा दे। उसको मिलने के लिए हृदय में तड़फ हो, उसको पाने के लिए हृदय में तत्परता हो, उस ज्ञान स्वरूप के दीदार किसी भी कीमत में हो, लेकिन तेरा दीदार हो जाए। किसी भी कीमत में हो लेकिन तेरा दीदार हो जाए, फिर उसके बाद चाहे वह नज़र बेकार हो जाए तो हमें स्वीकार है, तेरा दीदार हो जाए। फिर वो नज़र सचमुच में बेकार हो जाती है, वो लौकिक नज़र बेकार हो जाती है, फिर उसी की नज़र हमारी नज़र एक हो जाती है। जैसा उसे दिखता है ऐसा हमें दिखता है, जैसा वो जानता है वैसा हम जानते हैं, जैसा वो मानता है जगत को ऐसे ही हम मानते हैं। वो जगत को खिलवाड़ मात्र मानता है, उसे जगत सपना दिखता है, उसे संसार एक माया का विलास मात्र देखता है, हमें भी फिर वैसा दिखेगा। अभी हमें सच्चा दिख रहा है, ठोस दिख रहा है, चिंता आकर हमारा गला दबोच देती है, हर्ष आकर हमें तरंगित कर देता है, शोक आकर हमें दबोच देता है, अहंकार आकर हमें फुला देता है और विषाद आकर हमको सुकड़ा देता है। हम बचते ही नहीं हैं, वे ही नाच कर रहे हैं हम पर। लेकिन एक बार उस सत्य चित्त आनंद का ज्ञान पाले, एक बार उस सत्य चित्त आनंद के लिए छलांग मार ले, रगा लगा रहे सत ज्ञान सो सब ही बंधन तोड़, कह कबीर वह दास सो काल रहे हाथ जोड़। वो काल भी उस सेवक के आगे हाथ जोड़ कर खड़ा होता है, वो अकाल पुरुष के ज्ञान को पा लेता है और अकाल पुरुष की सत्ता से ही तुम्हारे कालग्रस्त शरीर जी रहे, अकाल पुरुष की ही चेतना से ये कालग्रस्त हाड़ मास का पिंजर चल फिर रहा है और अकाल पुरुष के आनंद से ही ये कालग्रस्त वस्तुएं तुम्हें आनंदित दिखती है। भक्ति जूं सीढ़ी मुक्ति की चढ़े भक्त हर्षाए, भक्ति है सीढ़ी मुक्ति की, भक्त हर्षितों के चढ़ता है लेकिन अभक्त उदास रहता है। अभक्त को वो समझ में नहीं आता, जचता ही नहीं है। भक्ति जूं सीढ़ी मुक्ति की चढ़े भक्त हर्षाए, और न कोई चढ़ी सके निज मन समझो आए। औरों का काम नहीं है, भक्त ही भक्ति की सीढ़ी चढ़ेगा और भक्ति की सीढ़ी चढ़े तो भगवत तत्व का ज्ञान हो जाएगा, भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, भगवान का आत्मा और आपका आत्मा एक हो जाएगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणिशति। जो मुझे सब में देखता है, सब मुझ में देखता है, वो मुझसे अलग नहीं, मैं उनसे अलग नहीं। अर्जुन फिर भी कोई अलग करके देखना चाहता है तो कैसे देखे? जैसे दो सरोवर के बीच का जो पाड़ा है वो टूट जाए तो कौन सा पानी किस सरोवर का अलग कैसे होगा? एक कमरे में दो दिए जला दे तो कौन से दिए का कौन सा प्रकाश अलग कौन करेगा? फिर भी अगर अलग करके देखना चाहे कोई तो वह संत वह ज्ञानी मेरा आत्मा है और मैं उसका आत्मा हूँ। अगर भेद से देखना ही चाहे तो वो आत्मा है और मैं उसका शरीर हूँ, मैं वो हूँ और वो मैं हूँ, ऐसे हम एक हो जाते हैं। कहाँ तो आकाश को ढांप कर व्यापने वाला ब्रह्म स्वरूप है ये मनुष्य, और कहाँ तो जरा जरा बात में सुकड़ जाता है, जरा जरा बात में दुखी हो जाता है, जरा जरा बात में परेशान हो जाता है, और सारी परेशानी और दुख सहकर जो इकट्ठा किया वो छोड़कर मरता है। चिता पर लेकर तो कोई नहीं मरता, न बंगला चिता पर ले जाता है, न गाड़ी चिता पर ले जाता है, न रुपये पैसे चिता पर ले कर मरता है। जीवन भर जिस शरीर को पाला पोषा और मैं मानकर बेवकूफ़ी से खपते गए,
कृष्ण कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो, प्राप्य वरान बोध्यत, वो बोधवान वरान श्रेष्ठ पुरुषों के लिए कृष्ण कहते हैं उनके चरणों में जाओ। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोध्यत उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनः। कृष्ण की जन्माष्टमी मनाना हो तो कृष्ण का उद्देश्य जान लो, कृष्ण की उदारता जान लो, कृष्ण की चाहना जान लो कि कृष्ण क्या चाहते हैं। कृष्ण जो चाहते हैं वो आपने कर लिया तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे और कृष्ण तुम्हारे दिल में जो छुपे हैं प्रकट हो जाएंगे। कर्म में जब ईश्वर आने लग जाए, ईश्वर के निमित्त कर्म होने लगे तो वो कर्म धर्म हो जाता है। अभी आप आए चलकर कर्म हुआ, लेकिन वो चलकर आए तो किसके लिए आए? कथा के लिए आए, ईश्वर के लिए आए। तो आपका चलना अभी पहुंचे तो धर्म हुआ नहीं, जहां से चले वो जो कर्म हुआ वो भी धर्म बन गया है। मान लो यहां से उठकर किसी की जेब काटने का इरादा है अथवा किसी का गला घोंटकर मृत्यु करने का इरादा है, तो यहां से चलना जब से शुरू हो गया तब से अधर्म चालू हो जाएगा। ईश्वर के निमित्त आप चलते तो धर्म हो जाता है, ईश्वर को पाने के निमित्त आप स्वस्थ रहते हैं और भोजन करते तो धर्म हो जाता है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए आप रोते हैं तो धर्म हो जाता है, ईश्वर को प्यार करते करते आप हंसते हैं तो धर्म हो जाता है, ईश्वर में विश्रांति पाने के लिए आंखें मूंद के आप बैठ जाते तो धर्म हो जाता है, ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु से मंत्र लेते तो धर्म हो जाता है, मंत्र जपते तो धर्म हो जाता है, दूसरे को मंत्र दिलाते तो धर्म हो जाता है, दूसरे की श्रद्धा बढ़ाते तो धर्म हो जाता है, और ईश्वर प्राप्ति के रास्ते की श्रद्धा तोड़ते तो अधर्म हो जाता है। कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। निंदक बोलता है तो कर्म तो है लेकिन लाख पापियों का बोझा चढ़ता है उस पर, और साधक सतशिष्य या संत बोलते हैं तो लाखों पाप ताप को निवृत्त करने की वाणी हो जाती है उनकी वाणी। तो निंदक भी बोलता है और सतशिष्य भी बोलता है, सदगुरु भी बोलते हैं। तो वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए, वाणी ऐसी बोलो कि उस परमात्मा का गुणगान हो, परमात्मा का ज्ञान हो, परमात्मा के निमित्त कर्म करने की रुचि हो, ऐसी वाणी हो। वाणी ऐसी बोलिए मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे आप हूं शीतल होए। कोयल का को धंधे कौआ किसका कुछ छीनता है और कोयल किसको क्या देती है? मीठे वचन बोल के जग अपनो करी ले। काका काको धन हरे कोयल काको दे, मीठे वचन बोल के जग अपनो करी ले। एक काले कलुट दोनों प्राणी, कौआ भी काला और कोयल भी काली, लेकिन कोयल का नाम सुनते हृदय में उसके लिए सिंपैथी हो जाती, सहानुभूति, और कौआ अरे आ तो काकड़ा जेवो छे मतलब गाली दे दिया, अरे आनु बोलवानो तो कोयल जेवो छे मतलब प्रशंसा कर दिया। वाणी आपके पास है और बोले बिना आप नहीं रहोगे, तो ऐसे ही बोलो जिस बोलने में भगवान की बात हो, जिस बोलने से भगवत तत्व का ज्ञान निखरे, जिस बोलने से भगवान में प्रीति जगे, जिस बोलने से भगवान को जानने के लिए आपके मन में एक तूफान उठे। कबीर जी बोलते तो ऐसा ही बोलते, कृष्ण बोलते तो ऐसा ही बोलते, राम जी बोलते तो ऐसा ही बोलते। राम जी जब बोलते तो मानो मधु टपक रही, सार गर्भित बोल रहे। आप अमानी औरों को मान देने वाली वाणी और अज्ञान निवर्तक वाणी बोल रहे।
मैं देह हूँ, ये जगत सच्चा है, ये काम ये वस्तु मिलेगी तब मैं सुखी होऊंगा, ये अज्ञान वर्धक वाणी है। लेकिन मैं परमात्मा का सनातन अंश हूँ, सुख दुख स्वप्न है, मान अपमान खिलवाड़ है, जन्म और मरण ये प्रकृति में होता है, उसको सत्ता देने वाला परमात्मा ही मेरा आत्मा होकर बैठा है। इस संदर्भ की वाणी सत्संग हो जाती, धर्म हो जाती। आप ऐसी वाणी सुनिए, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बिचारी। ये भक्ति तो ऐसा है जैसे चौराहे का गेंद, चाहे कोई उठा के ले जाए। कबीर जी ने ठीक कहा है, कि भक्ति गेंद चौगान की, भक्ति गेंद चौगान की भावे कोई ले जाए, भक्ति गेंद चौगान की भावे कोई ले जाए, कह कबीर कछु भेद नहीं, कहाँ रंक कहूँ राय। रंक भी ये भक्ति रूपी गेंद ले जा सकता है और राय भी ले जा सकता है। ऐसा नहीं कि अमीर को भक्ति मिलेगी या गरीब को मिलेगी, जो भक्ति चाहेगा उसको वो मिल सकती है, जैसे चौराहे का गेंद। मुझे तो ये साखी याद कर लो, आप ऐसी इच्छा हो रही है, उच्चारण तो कम से कम कर ही लो। भक्ति गेंद चौगान की, भक्ति गेंद चौगान की, भक्ति गेंद चौगान की, भक्ति गेंद चौगान की, भावे कोई ले जाए, भावे कोई ले जाए, भावे कोई ले जाए, भावे कोई ले कह कबीर कछु भेद नहीं, कह कबीर, कह कबीर कछु भेद नहीं, कह कबीर कछु, कहाँ रंक कहूँ राय, कहाँ रंक कहूँ ना। भक्ति सीढ़ी मुक्ति की, चढ़े भक्त हर्षाए, और न कोई चढ़ी सके, और न कोई निज मन समझो आए। भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है, इसलिए हर्षित होकर भक्त जन उस पर चढ़ते हैं। अपने मन में संतुष्ट होते हैं, और दूसरे साधारण आदमी साधारण चीजों में समय बर्बाद कर देते हैं। जो साधारण विचार के हैं, साधारण बुद्धि के हैं, वो संसार की साधारण चीजों में अपना समय शक्ति खपा देते हैं। लेकिन जो भक्त हैं, जो असाधारण आत्माएं हैं, वो भक्ति की सीढ़ी चढ़ते हैं, हर्षित होकर घंटों भर इंतजार करते सत्संग के लिए, घंटों भर इंतजार करते ध्यान के लिए, घंटों भर इंतजार करते एक दीदार की झलक पाने के लिए। वो भक्ति की सीढ़ी पर भक्त हर्षित होकर चढ़ते हैं। लेकिन जो छोटी बुद्धि के हैं, वो संसार की छोटी छोटी चीज़ों में हैं। जो अल्पमति के हैं, वे संसार की अल्प अल्प चीजों में खप जाते हैं। जो बुद्धिमान है, सज्जन है, पुण्यात्मा है, वे तो ये कहते हैं, किसी भी कीमत पे हो लेकिन तेरा दीदार हो जाए, किसी भी कीमत पे हो, किसी भी कीमत पे हो लेकिन तेरा दीदार हो जाए, फिर उसके बाद चाहे वह नजर बेकार हो जाए, लेकिन किसी भी कीमत पे हो तेरा दीदार हो जाए।